मध्य प्रदेश में NH-69 पर हुआ एक हादसा, और हादसा ऐसा कि वर्षों पुराना पुल जो है, 150 साल से ज्यादा पुराना पुल, ट्रॉले का वजन सह नहीं पाया, भर भरा कर पुल गिर गया। जी हाँ, अंग्रेजों के जमाने का बना ये पुल तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा है, ये भर भरा कर गिर गया। ये हुआ है नेशनल हाईवे क्रमांक जो नागपुर की तरफ जाता है 69 पर। दरअसल इस पुल से जो है ट्रॉला निकला जो काफी वजनी था, 138 पहियों वाला ट्रॉला था। इस ट्रॉले का वजन जो है पुल सह नहीं पाया और भर भरा कर, ये अंग्रेजों के जमाने का पुल कहा जाता है, 1865 में इस पुल को बनाया गया था, और ये पुल जो है भर भरा कर गिर गया, जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। इस पूरे हादसे को लेकर जो है स्थानीय कलेक्टर जो है जिला प्रशासन से पहुंचे, और कलेक्टर क्या बता रहे हैं वो सुनिए। देखिए, नर्मदापुरम से बैतूल के हाईवे पर सुखतवा के पास करीब 150 साल पुराना ब्रिज था, जो कि आज करीब 130 टन का एक व्हीकल इस पर से निकला था अनाधिकृत रूप से, जिसके कारण से ब्रिज की इंटीग्रिटी सफल हुई और ब्रिज कोलैप्स कर गया है। अभी की स्थिति में कोई भी नुकसान किसी भी जान माल का नहीं है, और जो ट्रैफिक है उसको बैतूल से भी डाइवर्ट किया गया है और इटारसी की तरफ से भी डाइवर्ट किया गया है। बाकी पूर्णतः इसमें इस मार्ग को हम यूज़ कर सकें अस्थायी तौर पर, इसके लिए एक डाइवर्शन अलग से बनाया जा रहा है, जो कि अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। बाकी हैवी व्हीकल्स के लिए अभी के लिए जो डाइवर्जन प्लान है वो आज शाम तक हम लोग जारी करेंगे। कलेक्टर ने जिस तरीके की बात बताई है कि क्या वजह रही, कैसा क्या रहा, वो बता रहे हैं कि इसको देखा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो पुल है, ये पुल काफ़ी पुराना है। 5,000 वाहन, एक औसत के मुताबिक 5,000 वाहन रोज इस सुखतवा नदी पर भले पुल से गुजरते हैं, लेकिन ये चूंकि ट्रॉला वजनी था, इसमें पावर ग्रिड का सामान जा रहा था जो कि 130 टन वजनी था, जिसका वजन ये पुल नहीं सह पाया, भर भरा कर गिर पड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर जब प्रोजेक्ट मैनेजर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI के, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। 130 टन लोड के साथ में बैतूल से जा रहा था इटारसी, जबकि इतना लोड इस पुलिया पे अलाउ नहीं था, क्योंकि ये पुलिया लगभग 100 वर्ष के आसपास पहले की बनी हुई है। ये केवल एक लाइट व्हीकल के लिए अलाउ थी, लेकिन उसने कोई परमिशन ली नहीं और यहाँ से निकल रहा था। तो दोपहर में लगभग 1 बजे वो जो है पुलिया टूट गई और वो नीचे ट्राला चला गया। इस पर हम लोग FIR कर रहे हैं। इस बीच में जो जनता को तकलीफ़ हो रही है उसके लिए तो हमें खेद है ही, और इसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत स्टार्ट कर दी है, और हमें लगता है कि जल्दी हम लोग इसमें एक पाइप डाल के और एक टेम्परेरी पुलिया का निर्माण कर देंगे, जिससे लाइट व्हीकल इस पर जाएंगे। और हम अपने कॉन्ट्रेक्टर से बोल रहे हैं, इसके बाजू में जो नया ब्रिज बनना था उसका निर्माण भी वो तेज़ी से करें और जल्दी से जल्दी ब्रिज का निर्माण हो जाए, जिससे कि सभी प्रकार के व्हीकल जो हैं उसमें पास हो सकें। सुना आपने, वो भी बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं किस तरीके से इस पुल के भरभराने को लेकर। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि इस पुल के गिरने की वजह से इलाके में बड़ा लंबा जाम लग गया दोनों तरफ, क्योंकि ये पुल जो है 69 हाईवे जो क्रमांक मैंने आपको बताया NH-69 पर बना, महत्वपूर्ण पुल है, नागपुर तरफ जाने के लिए, आने जाने के लिए इस पुल का पार करना ज़रूरी होता है, पुल से लोग गुजरते हैं, लेकिन ये बड़ा पुल जो है भर भरा कर गिर गया। फिलहाल जाँच की बात कही जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ब्रिटिश काल में बने इस पुल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया, और क्या इस पुल के बाहर इतनी चेतावनी नहीं दी गई कि इतने वजन का जो वाहन है इस पुल से नहीं गुजर सकता है। यही वजह है कि बड़े वजन का ये जो भारी वजन का जो ट्रॉला गुजरा और ये पुल भरभरा कर गिर गया। होशंगाबाद से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता जितेंद्र वर्मा ने, आप देखते रहे MP तक।